वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो ये ब्लॉग इधर से स्टार्ट हो रहा है, दूसरे ब्लॉग खत्म करने के बाद ही अभी हमने जाना है ताज भाई को खाना देने। आज मैंने बोला कुछ घर में बना था, तो हमने बोला हाँ बिल्कुल बना था, और हमारे घर में आज बना था टमाटर गोल। ताज भाई को भी वही देंगे जो हमने खाया, वही खिलाएंगे। तो सही है, अभी ओवन में खाना गर्म हो रहा है क्योंकि थोड़ा गर्म था, और हल्का सा गर्म करके उनको देंगे। कब से खा रही है, एक घंटे से चरिया खा रही है, ऐसा लग रहा है पहली बार इसको चरिया मिली जिंदगी में। देखा पूरा गंदा कर दिया, पूरा लाल लाल मुंह कर दिया, भूत लग रही है दीदी का। आ जाओ चले फरी, आओ जल्दी। ओए अम्मा ये तो उड़ गया, ऐसी ले जाओ। चलो ठीक है, ओके ओके ऐसी ले जाते हैं भाई। फिर अब तुम खाओ, जब तक 12-13 दिन से मिलने के लिए कर रहा है। 12-13 दिन से मैं तो ताज भाई को खाने देने आया था। थैंक यू सो मच यार, हाँ रोज मजा आता है, एंटरटेनिंग होता है। जब भी 6 बजे आता है आप तब देखते यार, और क्या चाहिए। हाँ बाप भाई सही है, अल्लाह हाफिज़। अरे फरिया ने बोला मैं आपको गाना सुनाऊंगी, कौन सा गाना सुना रही हूँ, क्या हुआ। चलो जाओ भाग जाओ दोस्तों में, चलो ये देखो एक वो खड़ी हुई है गेरी, और ऊपर सारी दोस्तें फरिया अभी तक वेट कर रही हैं, और मैं सोच रहा हूँ फरिया को नहीं जाने दूँ। अच्छा चले जाओ यार, बस लास्ट स्टार्ट। यहाँ मैं खा रहा हूँ चेरी, और मेरा मुंह पूरा चेरी चेरी हो गया, मेरे हाथ भी चेरी वाले हो गए देखे, और मॉम ने सब कुछ धो धा के इधर रख दिया मेरे पास कि खाते रहो जान बनाते रहो। कितनी प्यारी मॉम है हमारी, देखो हम लोग लेटे होते हैं और हमारी मॉम हमारे लिए कितना सारा काम करती है। मॉम अपने बच्चों का इतना ख्याल करती है मॉम, बोले बताओ मॉम, दिल की बात है मॉम। ये जो है ना वो देखती है कि बच्चे कुछ खाते नहीं है, सारा दिन बस काम कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, और बाकी हम लोग अपने रूटीन से खाते हैं। वाह मॉम वाह, इसलिए हमें अच्छा नहीं लगता। वैसे लोग भी बोलते हैं, और ये किताबों में लिखा हुआ है कि सबसे जो प्यारी चीज है दुनिया की वो माँ होती है। सही बात है ना, सही बात है। देखो मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ, आ जाओ जल्दी आ जाओ, क्रिकेट के छोड़ दो, हम लोग जा रहे हैं मूवी देखने, और मूवी हमारे घर में ही लगी हुई है, मूवी देखेंगे उसके बाद फिर हम लोग सो जाएंगे, और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। तो मूवी लगा दी है, ये हमारा मूवी सेटअप सारा। ओके तो अब हम ब्लॉग को यहीं रखते हैं, और गुड नाइट, सुबह मॉर्निंग में आपसे मिलते हैं, बाय बाय। यहाँ हमारा बन रहा है पराठा, चाय और दही। आज हम खाएंगे दही पराठा और चाय, ना मॉम। हर रोज मम्मा ने बोला कुछ अलग अलग नाश्ते किया करो, ताकि तुम्हारी ऑडियंस भी बोर ना हो, हेल्दी नाश्ता खाएंगे आज, चाय पराठा और दही। 6 घंटे बाद एक नाश्ता होता है। सॉरी मॉम, सही है आप बना, जब तक मैं जा रहा हूँ नहाने फ्रेश होने, और फ्रेश होने के बाद आपको हम देते हैं आज की एक चैलेंज वाली गुड न्यूज, तो स्टे कनेक्ट। भाई 82 भाई गिर रहे हैं यूं करके, क्यों गिर रहे हैं, इनसे वजह जानते हैं हम, बताए। मैं 5 बजे से उठा हुआ हूँ रात के। अच्छा यानी मेरी कल रात, मेरी सुबह 5 बजे हुई थी कल, कुछ भी यानी वो शाम के 5 बजे, मेरी तो सुबह 5 बजे हुई थी ना, यानी वो शाम के 5 बजे बिल्कुल। तो जब से मैं उठा हुआ हूँ अभी तक उठा हुआ हूँ, अभी सोने लेटा था तो इसने उठा दिया मुझे। मैंने इसलिए उठा दिया क्योंकि मैं हो गया हूँ अब फ्रेश, और देख सकते हैं आप, और हमने जाना है सभा को लेने, क्योंकि हमने करना है आज चेरी चैलेंज। एटीट्यूड हुआ है, मैं फरिया और सभा ने करना है चेरी चैलेंज, तो अभी हमें सभा मिलने जाना है, और तो चलिए चलते हैं। हमने सभा को घर से पिक कर लिया है, और हम वापसी अपने घर भी आ गए। मैंने बोला कि रास्ते का नहीं बना रहे, एक बार जाते हुए दिखा दिया, वापसी भी वही रास्ता था, तो मैंने बोला अब डायरेक्ट घर जाके ही आपको ब्लॉक करेंगे, तो जल्दी जल्दी उतर जाए प्लीज। सारे उतरे, अपने से बड़ा मास्क लगाया हुआ भाई, क्या बोल सकते हैं आप। जल्दी जल्दी आ जाओ, शाबाश प्रिंसेस भी आई हैं, ये तो प्रिंसेस नहीं है। आप लोग मुझे बोलते हैं कि सभा को इतना तंग क्यों करते हो, तो सभा को तंग मैं करता हूँ बहुत ज्यादा प्यार में, क्योंकि ये मुझे वो नहीं होता कि वीडियो में दिखाऊं कि यार कितना प्यार करता हूँ ये है वो, नो no। वीडियो में मस्ती तो मस्ती, आप लोग को हंसाने के लिए कुछ भी। वाओ माशाल्लाह मॉम, थैंक यू सो मच मॉम इतना प्यार करने के लिए। रानी आई है तो मॉम ने बोला पानी दे देते इनको, पानी पिया आपने, खुश है आप पानी पीकर, जल्दी पी ले पानी, ओ अल्लाह पानी पी ले, शाबाश। महारानियों को पानी भी तो पूछेंगे, एक और महारानी पानी पी रही है और हम लोग पानी नहीं पी रहे, हम लोग तो थके ही नहीं है। आप तो जूस पीएंगे ना? मैं तो महाराजा हूँ, जूस ही पीऊंगा बिल्कुल, ऑफ कोर्स। अभी मैं जूस बनाता हूँ।
हमें चेरी चेंज करने के लिए हमें चेरी चाहिए होंगी बहुत सारी, तो मॉम से सवाल पूछना है कि मॉम चेरी किधर है? चेरी फिनिश हो गई। किसने खाई? भैया ने खाई होंगी सारी, मुझे लग रहा है। मैंने एक खाई थी, सिर्फ एक खाई, सिर्फ एक खाई। झूठ, पूरा खत्म हो गया, पूरे डब्बे खत्म कर दिए, पूरे पूरे डब्बे तुमने खत्म किए। तो हमें चेरी चैलेंज करने क्या शुक्र, ये बोलिए कि चेरी चैलेंज नहीं करेंगे, लेकिन चेरी चैलेंज ही होगा। ये बोलिए मेरा मुंह पूरा गंदा हो जाएगा, हाथ गंदे हो जाएंगे। भाई क्या हो गया, मतलब क्या मतलब, चैलेंज तो चैलेंज होता है। तो हम जाना पड़ेगा चेरी लेने बहुत सारी, और फिर होगा सुकून से चेरी चैलेंज। एक मिनट में जो सबसे ज्यादा चेरी खाएगा वो जीत जाएगा, उसको प्राइस मिलेगा 2000 रुपए। कौन दे रहा है? हाथ के हाथ 2000 रुपए कौन दे रहा है? हारेगा वो देगा मिला के। हाँ ये कर लेंगे, जो हारेगा पैसे मिला के देगा। 500 चार लोग हैं, 500 रुपए। हाँ सही है, ये डन हो गया, 2000 रुपए वो जीतेगा। तो अभी हम जाएंगे चेरी लेने, तो चले चलते हैं। ओ तेरी छुपकली, क्या करे इसका, तुम पे छोड़ दे। नहीं नहीं, कहाँ गई? अभी तेरी थी, और मेरे ऊपर ना गिर जा यार। स्प्रे दो लाओ, हटाओ 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 पर्दा हटाओ, छुपकली आ गई भाई, बाहर नहीं जा सके, पहले छुपकली मारेंगे उसके बाद जाएंगे बाहर हम। भैया अबे ये री आराम से अबे कैसे भाग रही है, बड़ा लगता है भाई, तुम्हें मारो एटीट्यूड बॉय। एक मिनट ये री छिपकली नहीं करे, ला जा दो मुझे, मैं मारूंगा, लाओ इधर झाड़ू से मारेंगे। ये पुरानी रिवायत है हमारी, झाड़ू से हमेशा छुपकली मरती, याद है आप लोग को? और झाड़ू से मारना सवाब भी, उसको मैंने सुना है ना देसी मो। मारो मारो करो करो, ये रही भैया वापसी इधर आ गई, ये रही रही इसके पीछे। अबे पड़ते पे चिपक गई, अबे पड़ते पे हो गई। अबे 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 भाई डर गया, डिड भाई क्या हुआ, लग गई। अबे तुम डर क्यों गए? अबे डर आ गया। चलो भाई इसको बाद में देखते हैं, जरा हमें चेरी ले जाना है, हमारा वरना ब्लॉग इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो छोड़ दो यार, अब छोड़ दो, खुद ही भाग जाएगी। नहीं भाई, तो अब इसको मार रहे हैं, उसके बाद आपसे हम चेरी ले जाएंगे, फिर वहाँ मिलते हैं। आ गए हैं फ्रूट मार्केट पर, माशाल्लाह बहुत सारे फ्रूट्स हैं, अल्लाह की कुदरत ही कुदरत यहाँ पड़ी हुई है बहुत सारी। तो हमें देखना है क्या फ्रूट, तो मैं अभी भी खा रहा था जामुन था, जामुन। यहाँ पर देखते हैं इधर क्या मिलता है हमें। अच्छा चेरी कर दे, सही है, 250 रुपये का डब्बा है, 2 डब्बे चेरी हो गए हमारे, और बाकी हमें बहुत फेवरेट चीज़ आती है इस मौसम में, क्या आती है, लीची। तो हमें लीची भी कर दें आप, 2 किलो लीची कर देगा, ठीक है। लीची बहुत महंगी है, 700 रुपये किलो है, तो आपको पता है बार्गेनिंग तो होती नहीं है। तो 2 किलो लीची और 2 डब्बे चेरी, सही है, डन। हीरो लग रहे हो तुम, बिल्कुल पता तुम्हें, हीरो मौसमी हीरो नहीं है, मौसमी हीरो वो वाले हीरो लग रहे हो। तो बस जल्दी जल्दी कर दें अंकल पैक, बाकी शुक्रिया। हम लेने आए थे चेरी, और हमने साथ साथ इसके लीची भी ले ली, खाने का मजा अलग होता है, लेकिन लीची होती बहुत महंगी है, पता नहीं क्यों यार। हुकूमत गवर्नमेंट से अपील है मेरी कि यार कि लीची सस्ती की जाए, ताकि क्या करेगी यार हुकूमत, ये कर सकती है कि जो फ्रूट होते हैं ना, फ्रूट की जो खेत होते हैं सारे बड़े बड़े, या जो अगर ये पेड़ों में निकलती है, तो उनकी तरफ से अगर सस्ता हो, गवर्नमेंट अगर थोड़ी गुंजाइश करे पैसों में, उनको खुद पैसे देकर थोड़ी कम करवाए आवाम के लिए, क्योंकि हर कोई, अच्छा क्या मतलब यार, देखो हर किसी के मुंह लगे, नहीं कैसे देगी गवर्नमेंट यार, देखो जब हर चीज गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट इस पे कुछ नहीं कर सकती क्या? जैसे गवर्नमेंट ने अस्पताल सारे वो गवर्नमेंट के बनाए हुए हैं, फ्री इलाज होता है, उस तरह से ही जो पाकिस्तानी फ्रूट्स हैं, उससे जो पाकिस्तान में पैदा होते हैं, पाकिस्तान में उगते हैं, निकलते हैं, पैदा होते हैं, तो उस पे कुछ गुंजाइश करें, ताकि ये हर गरीब के मुंह लग जाए, ताकि वो उसका टेस्ट ले सके और खा सके इसको, क्योंकि बहुत महंगी जब होती है ना, कोई खा नहीं सकता, आम बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसलिए थैंक यू सो मच, आपको अल्लाह हमेशा कामयाब कर, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, और उनको आगे बढ़ने का मौका दे, और उनके रिस्क हलाल में बरकत नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन, और वो हमेशा कामयाब ही रहे, बस यही बोलूंगा। अब चलते हैं हम घर की तरफ, और हमें करना है चैलेंज। हमें क्या लाया, तो मोम ने बोला था कि पापा को भेजूंगी, पापा लेकर आएंगे, लेकिन उनका बेटा पहले ले आया पापा से, ऐसा ही हुआ, खुश है बाप, बहुत सही है। और चेरी भी लाया वो चैलेंज के लिए, ये घर के लिए, सही है। हाँ अब हम करेंगे डायरेक्ट चैलेंज, उससे पहले कोई ब्लॉग नहीं करेंगे, तो डायरेक्ट चैलेंज में मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लिप में। तो थैंक यू सो मच, क्या हो गया भाई, तुम क्यों आ गई, मीठा देख के डायरेक्ट चिपकने वाली मक्खी आ गई भाई पहले ही। चैलेंज होगा देखते कौन जीतते, और 2000 रुपए कौन लेके जाएगा यहाँ, इस ग्राउंड से, इस मैदान से, इसी घर से, इसी फैमिली से। बंदा ये खड़ा हुआ,
ये रहा। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैलेंज को, और इस चैलेंज के लिए हमें सबसे पैसे चाहिए 500 रुपए। लाइए 500 रुपए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एटीट्यूड बॉय प्लीज गिव, थैंक यू सो मच। और ये गरीब है माशाल्लाह से, तो इनके पैसे भी मैं ही दूंगा 1000 रुपए। ये सब और मेरे हो गए, और ये फरिया के 500 रुपए, तो हमारे पास हो गए टोटल 2000 रुपए। और अब हमने चैलेंज करना स्टार्ट। मेरे पास एक टाइमर देख सकते हैं आप, 0-0 हो रहा है, और मैं इसको स्टार्ट करूंगा। उसके बाद पता है क्या करना सबने, ये इसमें है 15-15 चेरीज, हर प्लेट में 15 चेरीज है हर प्लेट के अंदर ना। अब ये सारी चेरीज जो है ना, ये सबने खानी है एक साथ, और एक मिनट के अंदर। मैं पूछ रहा हूँ कि पहले चार डाल ली, फिर एकदम चार डाल ली, नहीं जानी पूरी देखो उठा के एक साथ भाई, या पूरी भी खाओ या आपकी मर्जी। एक मिनट के अंदर आपने सारी चेरियां एक साथ खाकर उसके बीज जो है ना, जिसके जितने बीज बचे, मतलब जिसके ज्यादा बीच इधर प्लेट में वापसी बचे तो वो जीतेगा, जिसके कम बीच होंगे सबसे ज्यादा वो तो हार गया, वैसे ही हार गया। लेकिन जिसने सबसे ज्यादा चेरी खत्म करके सारे बीच निकाल के रख दिए प्लेट के अंदर, तो फिर वो ही जीतेगा। लेट्स स्टार्ट राइट नाउ, मेरे साथ नहीं खा रही। 1 2 3 स्टार्ट। अपने अपने 500 डालो भाई, ये लो ये भैया वापसी रख लो। उसने कदम ये तो प्लान था हमारा, हमने पहले से प्लान किया था भैया से पैसे लेकर, और भैया अगर जीत जाएगा, मुझे पता था सबसे खतरनाक तरीके से यही खाएगा। जीत गया मैं भाई, नहीं नहीं मुझे पैसे चाहिए भाई। भाई मैं जीत गया, मुझे नहीं भाई, एक मिनट से ज्यादा ही हो गया था और जीता, हमें पता था कौन जीतेगा, तो जीता है एटीट्यूड बॉय। और लेकिन हम सबका प्लान माशाल्लाह से ये था कि अगर भैया जीतेगा तो हम सारे पैसे अपने अपने उठा लेंगे। नहीं नहीं भाई, मैं जीतू यार, ₹500 तुम ले लो। लेकिन सबसे पहले तो मैंने खत्म किया था ना भाई, हम लोगों ने खत्म किया ना पूरा खाया, तो हमें तो कुछ मिलना चाहिए। चलो ये लो, इस पे मान जाता हूँ, पकड़ो ये मेरे पास आ गया। ये फरिया के चाहिए, प्रॉफिट बनाया है। किस तरह खाया है अबे, सारे बीज भी खा लिए और तुमने आधी आधी खाई है। आधी भी खाई, पूरी खाई, वापसी लो पैसे। चलो पूरी खाई भी है, पूरी खाई भी है, पूरी खाई भी है। देखा आपने किसे दहशत गर्दों की तरह हमने खाया ये चेरियां, और ये एक दहशत गर्द ये रही, एक दहशत गर्द ये रही, और एक दहशत गर्द ये रहा। इस दहशत गर्द ने सबसे खतरनाक तरीके से खाया है, मैंने फिर भी सही खाया है, और इसे तो खाया नहीं जा रहा है। और इस व्लॉग को इधर ही एंड करते हैं, उम्मीद आपको पसंद आया होगा, और एडिट वाई को हमने प्रैंक किया वो भी आपको बहुत पसंद आया होगा। तो इस व्लॉग को बहुत ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमने कितने करने हैं, 1 मिलियन। वो तो करेंगे, लेकिन अभी कितने करने हैं? 700K। ये जल्दी हो जाएंगे, तो 7 लाख जल्दी कंप्लीट करें आप लोग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी अपने मन के साथ, भाई को सपोर्ट करें, बाय। We'll be right back.